पवन खेसारी निरहुआ अपनी पत्नियों को पार्टीज में नहीं ले जाते। जी हाँ, आपने बॉलीवुड में देखा होगा कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं वो अपनी पत्नियों को, अपनी गर्लफ्रेंड को हाथों में हार डाले बॉलीवुड की बड़ी सी बड़ी पार्टीज में ले जाना अपनी शान समझते हैं। लेकिन हमारे भोजपुरिया स्टार हैं कि वो अपनी पत्नियों को कभी किसी भोजपुरिया पार्टी में नहीं ले जाते। क्या ऐसी बात है कि भोजपुरी में कभी कोई पार्टी नहीं होती, या फिल्मों के प्रीमियर नहीं होते, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी नहीं होती, या फिर कोई ऐसा ओकेजन नहीं होता जहां भोजपुरिया स्टार्स अपनी पत्नियों के साथ जाए? आपको हम बता दें कि आए दिन भोजपुरी में ऐसी पार्टी होती रहती है, फिर वो चाहे किसी पार्टी या एल्बम की सक्सेस पार्टी हो, या फिर किसी स्टार या फिर एक्ट्रेस का बर्थडे हो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा आम्रपाली दुबे का बर्थडे हुआ था, जिसमें पार्टी बड़ी शानदार हुई थी। लेकिन हमारे भोजपुरिया स्टार्स अपनी पत्नियों को ले जाना क्यों नहीं मुनासिब समझते? भाई, पत्नियाँ खूबसूरत भी हैं और पत्नियाँ ऐसी हैं कि वो बड़े ही सलीके से, बड़े ही समझदारी से हैं। तो आपको बता दें कि भोजपुरी के इससे भी पहले जो सुपरस्टार रहे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी रहे हों, चाहे रवि किशन रहे हों, या कोई भी रहे हों, वो अपनी पत्नियों को किसी भी पार्टी में लेकर नहीं गए। हाँ, ये बात और है कि अगर उनके घर पार्टीज हुई हैं तो लोग आए हैं, लेकिन जो उनके घर आए हैं वो भी अपनी पत्नियों को नहीं लेकर आते हैं। या भोजपुरी में अभी ये रिवाज ही नहीं चला है कि अपनी पत्नियों को हाथ में हाथ डाले मीडिया के सामने सभी स्टार लाकर कंफर्टेबली पार्टी करें। ऐसा अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में चलन नहीं चला है। अदरवाइज आपने बॉलीवुड में देखा होगा कि कोई भी स्टार हो अपनी फियांसे को, अपनी गर्लफ्रेंड को, या फिर अपनी पत्नी को लेकर ज़रूर वो पार्टी में जाता है। जब भी ऐसे सवाल कभी भी मीडिया वाले इन भोजपुरिया सुपरस्टार से पूछते हैं, जैसे पवन खेसारी और निरहुआ से, तो उनका जवाब यही होता है, हम तो कहते हैं पर वही नहीं आती। यानी कि पवन खेसारी निरहुआ अपनी पत्नियों से कहते हैं पार्टी में चलने के लिए, लेकिन पत्नियां ही हैं कि पार्टी में जाना कंफर्टेबल नहीं समझती। चलिए, हम ये समझते हैं कि खेसारी लाल यादव और निरहुआ की पत्नी गांव में रहकर आई हैं, या उनका अधिकांश समय गांव में गुजरा है, इसलिए पार्टी के माहौल से थोड़ा बहुत उन्हें अनकम्फर्टेबल होता होगा। लेकिन पवन सिंह की पत्नी, भाई पवन सिंह की पत्नी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे स्टाइलिस्ट हैं। आपने अगर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी अपने आप को जितना सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव रखती हैं शायद ही कोई रखता हो। लेकिन ये क्या, पवन सिंह भी अपनी पत्नी को कभी किसी पार्टी में नहीं ले जाते? हाँ, ये बात और है कि पवन सिंह की पत्नी कई मर्तबा उनके साथ उनके शूट पर दिखती है, फिल्मी शूट पर दिखती है, लेकिन भाई पार्टीज़ में तो आज भी पवन सिंह अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए। इसके पीछे रीज़न, चाहे भोजपुरिया स्टार्स भले ही दे उनकी पत्नियां पार्टीज़ में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन ये तो मानना है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी चलन के तौर पर नहीं है, इसलिए भोजपुरी स्टार्स अपनी पत्नियों को पार्टी में लाना कम्फर्टेबल नहीं समझते। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।